जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट रीडर बुक के लेसन 2 को के क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो फुल स्टोरी है इसके लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं. ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है जो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप से जाने जाते हैं, और इन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी बुक में इस स्टोरी को मेंशन किया था. चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स? समारोह कहाँ हुए थे, और क्या आप भारत के किसी ऐसे सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो सैंड स्टोन्स यानी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया विच वी आर अटेंडेड बाई डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस. समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के परिसर में हुए, जिसमें कई देशों के गणमान्य व्यक्ति और नेता शामिल हुए. इन इंडिया, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला बलुआ पत्थरों से बनी इमारतें हैं. क्वेश्चन 2, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार शरद ऋतु का दिन है? As South Africa is in the southern hemisphere, may falls in the autumn season, thus 10th May is an autumn day. चूँकि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है, हो सकता है कि यह पतझड़ के मौसम में आए, इस प्रकार 10 मई एक शरद ऋतु का दिन है. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he स्पीक्स ऑफ एट द एंड? यहाँ पर मंडेला जो है अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया. ह्यूमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया था. इसका क्या अभिप्राय है, और अंत में वह किस शानदार मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं? वाई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका. ड्यूरिंग दिस देयर वॉज अ रेसियल सेग्रेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक्स सफर्ड अ लॉट. एक असाधारण मानव आपदा से मंडेला का जो अर्थ है वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा को बताना है. इस दौरान रंग के आधार पर नस्ली अलगाव हुआ और अश्वेतों को काफ़ी नुकसान हुआ. दे वेयर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम आर एनी राइट. मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स on infamous Robben Island as a prisoner where he has been beaten mercilessly. उन्हें स्वतंत्रता या कोई अधिकार मांगने की अनुमति नहीं थी. मंडेला ने खुद कई साल जो है वो कुख्यात रॉबिन आइलैंड में कैदी के रूप में बिताए थे, जहां उनको बेरहमी से पीटा गया. ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री वेयर द ब्लैक्स वेयर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स एंड वेयर ट्रीटेड बैडली. और उन्होंने इसे महान गौरवशाली मानवीय उपलब्धि माना कि एक अश्वेत व्यक्ति उस देश के राष्ट्रपति बना जहाँ अश्वेतों को इंसान भी नहीं माना जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. क्वेश्चन 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किसके लिए धन्यवाद देते हैं? मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वानिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वी आर कंसिडर्ड आउटलॉज. मंडेला ने शपथ ग्रहण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत करने के लिए बहुत विशेष अधिकार महसूस किया, क्योंकि बहुत पहले नहीं दक्षिण अफ्रीका को अवैध माना जाता था. आउटलॉज मतलब उन्हें अवैध माना जाता था. ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी. दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. और जब उन्हें
दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेतों को अवैध माना जाता था, तो इस प्रकार वे ऐतिहासिक समारोह देखने के लिए आने के लिए उन सभी का धन्यवाद करते हैं। यह एक न्यूबॉर्न यानी नवजात मुक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का एक संकेत था और इसे न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए आम जीत के रूप में माना जा सकता है। क्वेश्चन 5, What ideas does Nelson Mandela set for the future of South Africa? सेना के जनरलों ने क्या किया और उन सॉरी नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए जो है क्या आदर्श निर्धारित किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला ने लोगों की गरीबी, अभाव और पीड़ा के बंधन से मुक्त करने के आदर्श स्थापित किए। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजन्स और ओरिजन्स। यहाँ पर ऐसे समाज के लिए आदर्श भी उन्होंने स्थापित किए जहाँ लिंग या नस्लीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। What did the military generals do? How did their attitude change and why? सेना के जनरलों ने क्या किया और उनका रवैया कैसे बदला और क्यों? The Heights military generals of South African Defence Force salute Mandela and place their loyalty, which was of great significance as during apartheid era. दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया, जो कि रंगभेद युग के दौरान बहुत महत्वपूर्ण था। दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, वे उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे। दे चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर द फ्रीडम ऑफ अ नेशन स्ट्रगलिंग विथ अपार्टाइड बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडेस्ट ऑफ मैनी। ये रवैये में जो बदलाव दक्षिण अफ्रीका के कई नायकों के किए संघर्ष और बलिदान के कारण हुआ, इस संघर्ष ने न केवल रंगभेद से जूझ रहे राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की बल्कि लोगों की मानसिकता भी में भी बदलाव लाया। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बींग इज़ नेचुरली इंक्लीन्ड टूवर्ड्स लव रादर देन हेट। और उनका ये मानना था कि प्यार को भी सिखाया जा सकता है और इंसान का झुकाव स्वाभाविक रूप से नफरत के बजाय प्यार की ओर होता है। Why were two national anthems sung? यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? वन द ऑस्पिशियस ऑकेशन ऑफ द इनाग्रेशन टू नेशनल एंथम्स, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स सिम्बोलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स वेयर संग। एक उद्घाटन के शुभ अवसर पर दो राष्ट्रगान गाए गए, एक गोरों के द्वारा और दूसरा अश्वेतों द्वारा, अश्वेतों और गोरों की समानता का प्रतीक। क्वेश्चन 3, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेट एंड इन द फाइनल डिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पर मंडेला जो है इन्होंने अपने देश में पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में सरकार की व्यवस्थाओं का वर्णन वे कैसे करते हैं, आंसर देखेंगे। इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। सदी के पहले दशक में गोरों ने अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली स्थापित की और इस प्रकार दुनिया के अब तक के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया। हार्शेस्ट मतलब सबसे कठोर। इन द फाइनल डिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न एंड रिप्लेस बाय वन विच रिकोगनाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। 20वीं सदी के अंतिम दशक में पिछली प्रणाली को उलट दिया गया था और एक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनकी त्वचा के रंग की परवाह किए बिना मान्यता दी थी। What does courage mean to Mandela? Mandela के जो लिए साहस का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है।
मंडेला फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय पर विजय है. अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. उनके अनुसार वीर पुरुषों को निडर होने की नहीं बल्कि भय पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए. क्वेश्चन 5, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट. मंडेला के लिए नफरत की तुलना में प्रेम मानवीय हृदय में अधिक मंडेला किसे स्वाभाविक मानते हैं. यानी मंडेला विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट. यानी मंडेला किसे स्वाभाविक मानते हैं, प्रेम करना या घृणा करना. फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट. मंडेला के लिए नफरत की तुलना में प्रेम मानवीय हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है. क्वेश्चन 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. मंडेला किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख करते हैं. मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. मंडेला अपने दोहरे दायित्व कहते हैं कि अब व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं. पहला उसके परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए. और दूसरा जो दायित्व होता है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट. हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिस एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के के रूप में और एक छात्र के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था, और वह इन अस्थायी स्वतंत्रताओं की तुलना जो है मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं. आंसर, लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ. किसी एक लड़के के रूप में और एक छात्र के रूप में जो है किसी भी अन्य बच्चे की तरह मंडेला की स्वतंत्रता का मतलब आनंदमय जीवन का आनंद लेना और जो है आनंद लेना था. वंस वन बिकम्स एन एडल्ट एंड टाइज ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम द एडल्ट्स पर्सपेक्टिव. Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the beacon home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. किसी भी जो उन्होंने बताया कि किसी भी अन्य बच्चे की तरह मंडेला के लिए भी स्वतंत्रता का मतलब एक आनंदमय जीवन लेना था. और एक बार जब कोई वयस्क हो जाता है तो वो बचपन की हरकतें उसके लिए क्षणभंगुर लगती हैं, क्योंकि अधिकांश बचकानी गतिविधियां एक वयस्क के दृष्टिकोण से बेकार होती हैं. एक बार जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपको जो है आजीविका अर्जित करनी होगी, और यह तभी होगा जब आप परिवार और समाज में एक सम्मानजनक अस्तित्व प्राप्त करते हैं. डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाय और वाय नॉट. क्वेश्चन है कि जो है मंडेला, क्या मंडेला को लगता है कि उत्पीड़क जो है वो स्वतंत्र है. ऑपरेशन यानी होता है उत्पीड़क, क्यों और क्यों नहीं. ऑपरेशर यानी उत्पीड़क यानी जो उत्पीड़ा देता है. मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेशर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेशर इज अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड हु इज बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. यहाँ पर मंडेला बता रहे हैं, मंडेला यह नहीं सोचते कि उत्पीड़क स्वतंत्र है, क्योंकि उनके अनुसार उत्पीड़क घृणा का शिकार होता है जो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे होता है. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. वे महसूस करते हैं कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों से जो है उनकी मानवीयता और शांति छीन ली गई है. अब हम थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. Why did such a large number of international leaders attend this inauguration? What did it signify the triumph of it? ट्रायम्फ ऑफ जो है उद्घाटन में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल क्यों हुए, और यह किसकी विजय का प्रतीक था.
to be the part of inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. It was the significance of the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination. यहाँ पर उद्घाटन का हिस्सा बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने रंगभेद के अंत के विचार लिए अंत के विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुटता का जो है उन्होंने भाव दिखाया था, और यह बुराई पर अच्छाई की जीत है और बिना किसी भेदभाव के एक सहिष्णु समाज की जीत का ये महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला का यह क्या मतलब है कि जब वे कहते हैं कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले गए। बाय सेइंग दैट इट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मंडेला वॉन्ट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। मंडेला यह कहकर कि वह केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है, मंडेला उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम बिकॉज दोज हीरोज ऑफ past had paved the path of cooperation and unity for him, therefore he could try to come to power to bring equality for his people with their support। और उनका ये कहना था कि वह उनके आभारी हैं जो उनके लिए जो उनसे पहले गए थे, क्योंकि अतीत के उन नायकों ने उनके लिए सहयोग और एकता का मार्ग प्रशस्त किया था, इसीलिए वह अपने लोगों के समर्थन से समानता लाने के लिए सत्ता में आने की कोशिश कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, डेप्थ यानी होता है गहराई, यानी क्या आप इस बात से सहमत होंगे, क्वेश्चन है क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि दमन की गहराइयां चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी दमन की गहराइयां क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी वो चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के महान नायकों जैसे नेल्सन मंडेला ने इसको कैसे दर्शाया, और क्या आप इस तर्क में कोई और स्वयं के उदाहरण जोड़ सकते हैं, तो देखेंगे। आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका लाइक ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलु एंड अदर्स हु वेयर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर आंसर में ये बोला जा रहा है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट, यानी मैं इस कथन से सहमत हूँ कि उत्पीड़न की गहराई चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के महान नायकों जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलु और अन्य लोगों का उदाहरण देकर इसका समझाया है, उन्होंने जो लंबे स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने के लिए प्रेरित हुए थे। In India is full of such examples during our freedom struggle. There was a galaxy of leaders of great characters and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर। इफ़ वी कंपेयर दैम विद द इक्वलिटी ऑफ पोलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टूडे, दैन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्यूटली राइट। भारत ऐसे उदाहरणों से भरा है, हमारे स्वतंत्रता के दौरान संग्राम के दौरान महान चरित्रों के नेताओं की आकाश गंगा यानी गैलेक्सी थी, और ब्रिटिश शासन के दमन ने महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे महान चरित्र के लोगों को बनाया और प्रोत्साहित किया। अगर हम उनकी तुलना आज के भारत के राजनीतिक नेताओं की गुणवत्ता से करें तो नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला की स्वतंत्रता की समझ उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदली। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज अ लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। उम्र और अनुभव के साथ मंडेला ने स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझा। एक युवा लड़के के रूप में उसने सोचा कि वह स्वतंत्र पैदा हुए हैं और यह मानते थे कि जब वह अपने माता पिता का पालन करता है और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन करता है तो वह हर संभव तरीके से स्वतंत्र होता है। As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. यहाँ पर वह जैसे जैसे वे बड़े होते गए, परिवार पालने की स्वतंत्रता और आजीविका कमाने की जो स्वतंत्रता, उनके विचारों पर हावी होने लगी और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे बचपन में कैसे थे, स्वार्थी थे, दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। और वह धीरे धीरे समझ गए कि यह केवल उनकी स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि सभी अस्वतित्वों की स्वतंत्रता की सभी अस्वितों की स्वतंत्रता की कटौती वहाँ की जा रही थी और यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति थी। बट फ्रीडम जो है, इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज, और यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति थी। एज एंड एक्सपीरियंस बाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, और उम्र और अनुभव ने स्वतंत्रता के उनके दृष्टिकोण को विस्तृत किया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी उनके जीवन को उसने कैसे बदल दिया। मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड। मंडेला ने अपनी युवावस्था में महसूस किया कि यह केवल उनकी स्वतंत्रता नहीं बल्कि सभी अस्वेतों की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था। बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, मतलब सभी अस्वेतों की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू फियरलेस रिबेल, इसने भयभीत व्यक्ति को एक निडर विद्रोही में बदल दिया। ही सेक्रीफाइज द कम्फर्ट्स ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर ग्रेटर कॉज। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू बोल्ड वन हु फॉट अगेंस्ट रेसियल प्रेजुडाइस। और उन्होंने एक बड़े कारण के लिए लड़ने के लिए व्यवस्थित पारिवारिक जीवन की सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग किया और वे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, और इसने उन्हें एक भयभीत युवक से एक साहसी युवक में बदल दिया जो जातिगत पूर्वाग्रह के लिए के खिलाफ लड़े। यहाँ पर कुछ नाउन वर्ड्स हैं, उनके वर्ब वर्ड्स के साथ उनकी पेयर हमको क्रिएट करना है। रिवेलियन मीन्स होता है विद्रोह, एंड उसका जो नाउन वर्ड होगा वो होगा रिवेल यानी विद्रोही। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ये नाउन वर्ड है। इसका जो वर्ब वर्ड होगा कॉन्स्टिट्यूट यानी गठित करना। ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, ऑपरेस यानी दमन करना। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तन। एंड ऑब्लिगेशन नाउन वर्ड जो है जिसका मीनिंग होता है कर्तव्य, इसका जो वर्ब वर्ड होगा वो होगा ऑबिलाइज मीन्स लाचार करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।